अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं बेस्ट ड्रामा टेक्नो। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुनहरी तितलियां एपिसोड 166 में क्या होगा। प्लीज़ उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुनेर सिलिन को सफ़र के बारे में बताती है तो सिलिन गुस्से में आ जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोती हुई अली के पास आती है और अपनी तमाम बातें शेयर करती है। अली उसको तसल्ली देता है और समझाता है उसको। उसके बाद वो ज़फ़र के पास जाता है और सिलिन के बारे में बात करता है। ज़फ़र अली को सिलिन को वहाँ से ले जाने की धमकी देता है और जाने को कहता है। उधर लेवन और सवाश मिलते हैं। लेवन सवाश से टेप मांगता है तो सवाश टेप देते हुए रुक जाता है और उसको नहीं देता। वापस आकर नाजले को उदासी से देखता है और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो अपनी टेप निकालता है, उसको देखता है और उसको सोचता है कि इसको सुनूं या ना सुनूं। उसके बाद वो उसको सुनता है और हैरान रह जाता है और गुस्से में आ जाता है। उधर हलूक सफ़र को कल मिलने की धमकी देता है और उसको मनाने के लिए बहुत सारे पैसे अपने साथ लेकर जाता है। सफ़र गुस्से में आकर हाँ कर देता है, लेकिन जब सफ़र हलूक से मिलता है और हलूक सफ़र को पैसों की लालच देता है तो वो जब नहीं मानता तो हलूक बहुत सारा गुस्से में आ जाता है और हलूक आती हुई गाड़ी के सामने ज़फ़र को धक्का दे देता है। ज़फ़र जब गाड़ी के आगे आता है तो वो गाड़ी गुनेश की होती है, जिसको ज़फ़र ने पहले ही वहां आने के लिए बुलाया होता है। हलूक जब गाड़ी की तरफ देखता है तो गुनेश को देख कर हैरान रह जाता है और गुनेश ज़फ़र को देख कर हैरान रह जाती है। तो गाइस व्यूअर्स, ये होगा आने वाले एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेस्ट ड्रामा टेक।